नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शर्मा का इस वीडियो क्लास में स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज डाटा, व्हाट इज इंफॉर्मेशन एंड व्हाट इज नॉलेज। फ्रेंड्स, आपने सुना होगा, कॉमन है कि डाटा पैक करवाते हैं, डाटा पैक खत्म हो गया है, ये डाटा पैक इतने का है, ये डाटा होता क्या है। आपको जो मैंने डेफिनेशन बताई या जो भी आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन अभी तक सुनी है, उसमें आपने ये देखा होगा कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इन विच वी कैन स्टोर, कैलकुलेट, मैनेज, ट्रांसफर, रिसीव, सेंड, अपलोड, डाउनलोड, मैनेज, एक्सेस, कैलकुलेट डाटा एंड इंफॉर्मेशन विद हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। तो ये डाटा एंड इंफॉर्मेशन होता क्या है, ये क्या चीज है डाटा, ये आप इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले आपको जो ध्यान रखना है कि कंप्यूटर में जो हम डाटा को यूज करते हैं, वो डाटा आता कहां से है, इस डाटा का रोल क्या है, और ये डाटा आता कहां से है। डाटा आता है फैक्ट से, तथ्यों से। मेन चीज क्या है, डाटा। डाटा के बाद हमारे पास आता है इंफॉर्मेशन, और बिफोर दैट वी हैव फैक्ट्स। देर आर सो मेनी फैक्ट्स दैट टूडे, आज बहुत अच्छी बारिश हुई, आज अच्छी बारिश हुई या आज बारिश हुई, ये क्या है, ये है फैक्ट। फैक्ट फैक्ट होता है जब हम किसी रेफरेंस को देने, जब हम रेफरेंस पॉइंट बनाने के लिए जब हम कोई एक्सप्लेनेशन देते हैं किसी रेफरेंस पॉइंट के लिए, उसको हम कहते हैं फैक्ट। तथ्य कि भारत देश आजाद हुआ, ये क्या है, फैक्ट। आज बहुत अच्छी बारिश हुई, ये क्या है, फैक्ट। नाउ क्या ये डाटा है, नो इट्स नॉट अ डाटा, इट्स ओके टू बी अ डाटा, बट व्हाट इज डाटा एग्जैक्टली, द मीनिंगफुल फैक्ट्स, द फैक्ट्स दैट यू कैन कैलकुलेट, मैनेज, ट्रांसफर, रिसीव, सेंड, अपलोड, डाउनलोड, दैट इज मीनिंगफुल डाटा, एंड दैट मीनिंगफुल डाटा बिकम इंफॉर्मेशन। नाउ मैं यहां पे लिख देता हूं मीनिंगफुल फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉजिक्स। मीनिंगफुल फैक्ट्स, फिगर्स एंड लॉजिक्स। नाउ द मीनिंगफुल बट नॉट ऑल डाटा इज इंफॉर्मेशन, बहुत सा डाटा वेस्ट होता है, बहुत सा डाटा वेस्टेज होता है, और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि आपको इसका एक प्रॉपर पता हो, इसका आपको एक थोड़ा सा प्रॉपर पता हो, इस साइड को भाई, इस साइड को थोड़ा सा, हाँ ऐसे, थैंक यू, थोड़ा सा ऐसे हो जाओ। सॉरी टू इंटरप्ट यू, वी आर जस्ट मैनेजिंग, ट्राइंग टू लर्न दीज थिंग्स, हाउ टू हैंडल दिस कैमरा एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बिकॉज दिस इज डिजिटल इंडिया एंड वी हैव टू डू इट। ओके, सो व्हाट इज इंफॉर्मेशन, द मीनिंगफुल डाटा, द मीनिंगफुल डाटा दैट यू कैन यूज, दैट कैन बिकम अ डिसीजन पॉइंट, दैट यू कैन यूज टू मेक डिसीजन। वो डाटा जिसको पढ़ के, जिसको देख के आप डिसीजन ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू हैव टू टेक डिसीजन टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, दैट इज मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। अ बैंक एम्प्लॉई अंडरस्टैंड डाटा फैक्ट्स एंड वेरीफाई ऑल ऑफ दीज थिंग्स बाय यूजिंग कंप्यूटर, एंड देन दे ट्रांसफर दैट डाटा और द अमाउंट फॉर देम, फॉर कंप्यूटर, कंप्यूटर डोंट अंडरस्टैंड दैट इज अ मनी, somebody transferring money, it's name of someone, computer don't know that, computer only know that a data, and for his computer data is only just figures, a binary code. So I will explain that in further. So now the meaningful data, the data that can be used to make decision, understand this line or note down that line, the data that you can use to make your business, career, personal life, operational decision.
मैं इसको थोड़ा सा इतना ही लिखा कि द मीनिंगफुल डाटा, बाकी आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा। ओके, सो डाटा इंफॉर्मेशन आपको समझ आ गया। अब थोड़ा सा मैं एग्जांपल से बताता हूं। यहां पे मैंने आपको एग्जांपल दिया फैक्ट का कि आज बारिश हुई। ये आज बारिश हुई ये क्या है? एक फैक्ट है, बट क्या ये डाटा है? नो, इट्स नॉट अ मीनिंगफुल डाटा। इसको देख के, इसको सुन के आपको इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फ्रेंड आपका आया, वो कहता है कि आज बारिश हुई, तो ओके भाई इससे क्या है, थोड़ा सा ऐसे रखो इसको, तो उसे क्या है, ठीक है आज बारिश हुई। लेकिन अगर वो हमें ये कह दे कि आज 2.3 ml बारिश हुई, क्या वो ऐसा कह सकते हैं? नो, बहुत कम लोग ऐसा कह सकते हैं। हाँ, जिसको ये पता है कि आज कितनी बारिश हुई वो ये कह सकता है। तो ये क्या बना? एक डाटा, एक मीनिंगफुल डाटा बन गया। लेकिन क्या अभी भी अभी इंफॉर्मेशन है? नो, ये प्योर इंफॉर्मेशन अभी भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये नहीं बताया गया है कि ये कहां पे हुई। अब ये बात यहां की हो रही है, इस एरिया की हो रही है जहां पे वो बातचीत चल रही है कि आज बारिश हुई, तब तो ठीक है, बट वो कोई ऐसे थोड़ी पता लगेगा। तो अगर मान लीजिए कोई कहता है कि आज दिल्ली में 3.2 ml बारिश हुई, तो ये क्या बन गया? मीनिंगफुल डाटा। ओनली अ मीनिंगफुल डाटा कैन बिकम इंफॉर्मेशन, एंड विद मीनिंगफुल डाटा एंड इंफॉर्मेशन इट बिकम्स नॉलेज। व्हाट इज नॉलेज? द कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड द यूज ऑफ मीनिंगफुल डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन आवर डेली पर्सनल कैरियर ऑपरेशनल लाइफ इट्स कॉल्ड नॉलेज। सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थ्री पॉइंट्स, डाटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। दोबारा बता देता हूं, फैक्ट क्या होता है? कोई घटनाक्रम, इट्स अ फैक्ट। उस घटनाक्रम से जो डाटा निकल के आया, जो मेन मेन बातें थी उस इंसिडेंट की, वो क्या बन गया? डाटा। फिर उस डाटा को रिफाइन किया गया, रिफाइन होने के बाद वो क्या बना? इंफॉर्मेशन, कि जैसे आज बारिश हुई तो आज कितनी बारिश हुई, तो 3.2 ml। फिर वो क्या बन गया? इंफॉर्मेशन। वो इंफॉर्मेशन फिर यूटिलाइज हुआ आगे डिसीजन लेने में, और ओवरऑल ऑल ऑफ दिस बिकम अ नॉलेज व्हेन यू यूज दैट। सो दिस इज, बट आप पूछेंगे कि इसका कंप्यूटर में क्या यूज है, इसका कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल है? देखिए, डाटा, फैक्ट्स, आपने बच्चों ने, आप किससे, बच्चों से पूछ लिया कंप्यूटर यूज क्यों करते हैं, कंप्यूटर कैसे चलता है, तो आप कहेंगे कि कंप्यूटर चलता है इसमें हम डाटा देते हैं, वहां से डाटा आता है, कि डाटा को इनपुट करते हैं, करेक्ट। एक्चुअल में कंप्यूटर का यूज मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया था, कंप्यूटर का जो यूज है वो हम करते हैं, जो मीनिंगलेस डाटा है, यानी कि जो डाटा किसी काम का नहीं है, उसको डाटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इसका यूज करते हैं, डाटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने के लिए हम कंप्यूटर का यूज करते हैं। और ये सारा जो है आप इसको ट्रांसमिट करते हैं कीबोर्ड से, माउस से, ये आप सारा इसको कमांड देते हैं। ये अभी जो ये वीडियो बन रहा है, ये भी जो है आप देखिए, मैं लाइव एग्जाम्पल बताता हूँ, ये जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस क्लास को, ये क्या है? एक रॉ डाटा कैप्चर किया जा रहा है कंप्यूटर द्वारा, कंप्यूटर इसको कैप्चर कर रहा है, या मान लीजिए कैमरा इसको कैप्चर कर रहा है, ये क्या हुआ? रॉ मटेरियल। नाउ आफ्टर दैट हम इस डाटा को, ये जो कैप्चर हुआ, ये सारा हम इसमें इंसर्ट करेंगे, उसके बाद ये इसमें चेंजेस करने के बाद ये आगे आउटपुट के लिए डाल दिया जाएगा। तो बोलने का मतलब सिर्फ इतना है कि डाटा, अगर आप आम आदमी इसको समझना चाहे आम भाषा में, तो डाटा क्या है कि जो कुछ भी आपके पास मोबाइल में, कंप्यूटर में, जो कुछ भी इमेजेस, वीडियोस, टेक्स्ट मैसेजेस, इमेजेस, ये सारी जो चीजें हैं, इसको हम डाटा कहते हैं। ओके, सो और अगर ये डाटा मीनिंगफुल है जो आपके पास है, तो वो इंफॉर्मेशन बन जाता है। बहुत से लोगों के मोबाइल में, कंप्यूटर में बहुत सा डाटा होता है जो वायरस बन जाता है थोड़े टाइम बाद, अगर वो मीनिंगफुल ना हो और अगर उसका कोई ज़्यादा यूज ना किया जाए, तो वायरस बनने का कारण हो जाता है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, डाटा एंड इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड के जो फर्स्ट दो चैप्टर है वो आपका डाटा और इंफॉर्मेशन है। और अगर इन डाटा और इंफॉर्मेशन में आप और ज्यादा गहराई से जाएंगे, तो आप इसमें बहुत कुछ सीखेंगे, तो इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लें और आगे बढ़ें। थैंक यू वेरी मच।